बॉलीवुड में एक अच्छी तरह से स्थापित अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने छोटे भाई इब्राहिम अली खान को कुछ मूल्यवान सलाह दी है, जो कायोज़े ईरानी द्वारा निर्देशित फिल्म सरजमीन के साथ फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत कराने के लिए तैयार हैं। सारा, जिन्होंने खुद 2018 में उद्योग में प्रवेश किया और केदारनाथ और सिम्बा जैसी फिल्मों के माध्यम से पहचान हासिल की, अब अपने भाई का मार्गदर्शन कराने की स्थिति में है। वह इब्राहिम को क्या सलाह देंगी? इसके जवाब में सारा ने मनोरंजन जगत में अक्सर होने वाले विकर्षणों और शोर के बीच अपने दिल की बात सुनाने और खुद के प्रति सच्चे रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया और उल्लेख किया कि कैमरा कैसे बेईमानी को उजागर कर सकता है। सारा ने अपने भाई की ईमानदारी और अच्छे इरादों पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रामाणिकता पर भरोसा जताया। उद्योग की प्रतिस्पर्धी प्रकृति के बारे में सारा ने प्रतिस्पर्धा के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अवसरों की प्रचुरता पर भी जोर दिया। वह आत्मविश्वास के महत्व और अपने स्वयं के कौशल पर भरोसा कराने में विश्वास करती हैं। अपनी पहली फिल्म के अलावा इब्राहिम अली खान दिनेश विजान के साथ अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिसका अस्थायी नाम दिलेर है। जहां तक सारा अली खान के करियर की बात है, तो उन्होंने हाल ही में रोकी और रानी की प्रेम कहानी में एक कैमियो भूमिका निभाई और आए साल के एंट में एआई वतन मेरे वतन में नजर आने की उम्मीद है। इसके अलावा 2024 अनेक लाई वादा लेकर आया है, क्योंकि अनेकी तीन फिल्में रिलीज के लिए कतार में हैं। अपने भाई को सारा की सलाह बॉलीवुड की गतिशील दुनिया में आगे बढ़ने में ईमानदारी, प्रामाणिकता और आत्मविश्वास के मूल्यों को दर्शाती है, जहां अवसर उन लोगों का इंतजार कराते हैं जो खुद के प्रति सच्चे रहते हैं।